हेलो वर्गोस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 24th ऑफ नवंबर से लेके 30th ऑफ नवंबर तक की। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लव में। मैसेजेस फॉर वर्गोस। Eight of Pentacles, Two of Wands, King of Swords, Five of Pentacles, and Eight of Cups. So, हमारे पास है King of Swords. King of Swords के साथ हो सकता है आप ये समझ ना पा रहे हो इस वक्त कि आपका person इतना ज़्यादा बदल क्यों गया है एंड उनके अंदर ये नेगेटिविटी क्यों है, ये पर्सन इतना ज़्यादा स्टबर्न क्यों हो गया है और आपसे इतना दूर क्यों होता जा रहा है। सो बेसिकली बात ये है कि ये पर्सन फाइव ऑफ पेंटिकल्स के साथ शायद डिस्ट्रैक्टेड है। मे बी आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं और ये जो भी थर्ड पार्टी है ये काफ़ी अच्छी मैनिपुलेटर है और जानती है कि किस तरीके से मैनिपुलेट करना है। एक ऐसा पर्सन जो बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, जो एक वेल विशर की तरह प्रिटेंड करता है, बट उनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। तो यहाँ पे ये पर्सन सोच रहा है कि किस तरीके से वो अपने लिए टाइम बाय करें। अब टाइम बिताने का मतलब है कि ये पर्सन सोच रहा है कि किस तरीके से वो आपसे ये चीज़ें छुपाएं, बिकॉज जब भी वो आपको कन्फ्रंट करेंगे या आपसे मिलेंगे, आपको आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा कि ये पर्सन आपके पीठ पीछे क्या कर रहा है या कौन इन्हें इन्फ्लुएंस कर रहा है, किस तरीके के बदलाव इनके अंदर आ रहे हैं। सो ये पर्सन सोच रहा है कि इस थर्ड पार्टी का आपको पता चले इससे पहले ही वो खुद को आपसे दूर कर रहे हैं। और अगर आपको ऑलरेडी पता है तो ये पर्सन नाइट ऑफ सोर्ड्स बन के आपको सिर्फ ये दिखाना चाहता है कि जो हुआ उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। आखिर थर्ड पार्टी बीच में आ ही क्यों, ज़रूर कहीं कोई गुंजाइश बाकी रह गई होगी, कोई लूप होल बाकी रह गया होगा, कुछ तो ऐसा होगा जो आप नहीं कर रहे होंगे और इसलिए आज ये थर्ड पार्टी यहाँ पे है। सो कोशिश है आपको गिल्टी फील कराने की, जबकि गलती खुद की हो सकती है। ये पर्सन आपको टेस्ट कर रहा है और इस वीक में ये पर्सन आपके पेशेंस को पूरी तरह से टेस्ट कर लेगा और आप सोचने लगेंगे कि अब आपको आगे क्या करना चाहिए। इनफैक्ट टू ऑफ वॉन्ट्स के साथ मैं देख रही हूँ कि आप एक बहुत ही टफ दौर से गुजर रहे हैं। आपकी मेंटल हेल्थ इस वक्त थोड़ी बुरी हो सकती है। आपको लगेगा कि लाइफ में पता नहीं क्यों इतने ऑब्स्टेकल आते जा रहे हैं या आपके साथ क्यों हो रहा है या क्यों इस तरीके से चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं। ये पर्सन इस वीक में आपको थोड़ा सा स्ट्रेस दे सकता है, बट यूनिवर्स जो आपको दिखाना चाहता है आपको उस पर फोकस करना है बजाय इस पर्सन के। कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता एंड वो इसलिए आते हैं क्योंकि शायद हम उन चेंजेस को खुद लाने के लिए तैयार नहीं होते। ओके, हमें कोई चीज़ बहुत ज़्यादा प्यारी होती है या हम जब किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो जाते हैं तो वो चीज़ शायद हमारे लिए हार्मफुल हो तो भी हम उसमें कंटिन्यू करना चाहते हैं। और कुछ ऐसी ही सिचुएशन यहाँ पे देख रही हो वर्गो, हो सकता है इमोशनली आप बहुत वल्नरेबल हो गए थे, बहुत वीक हो गए थे, बिकॉज आप इस पर्सन से बहुत कनेक्टेड थे। बट टैरो आपको याद दिलाना चाहता है कि एक वक्त था जब आप इनके बिना भी खुश थे और आगे भी आप इनके बिना खुश रहेंगे, कंप्लीट रहेंगे। सो अगर वाकई में ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है तो आपको वो सब कुछ करना चाहिए जो आप कर सकते हैं अपने सेल्फ एस्टीम को प्रोटेक्ट करने के लिए, बिकॉज यही टैरो यूनिवर्स और हायर सेल्फ आपसे चाहता है। ओके, कि आप फोकस करें खुद पे और उन चीज़ों को अपने लाइफ से रिमूव करें जो आपके लिए टॉक्सिक बन गई थी। हो सकता है आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो काफ़ी लंबे समय से। सो आपके लिए सोचने का वक्त आ गया है। यहाँ पे जो चीज़ें नेगेटिव नज़र आ रही हैं वो उतनी नेगेटिव है नहीं, हालांकि ऑफ कोर्स आपके लिए इतना आसान नहीं होगा, बट
आप ये डेफिनेटली कर सकते हैं। चारो आपसे कह रहा है आपके अंदर स्ट्रेंथ है, वो चैलेंजेस आपके रास्ते में आएंगे ही नहीं जो आप फेस नहीं कर सकते, तो आप इसके लिए प्रिपेयर्ड है, भरोसा रखिए। एंड इस चेंज को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते, तो इस चेंज को सबसे बेहतर तरीके से हैंडल करने की कोशिश कीजिए। एंड ये चेंज आपको वहीं लेके जा रहा है जहाँ आपको होना चाहिए। ओके, फिलहाल आपके इमोशंस से इम्पॉर्टेंट आपकी अपनी सोल है, आपका अपना सेल्फ रिस्पेक्ट है, ये चीज़ आप मत भूलिए। ओके, यहाँ पे एट ऑफ कप्स के साथ आप ऑलरेडी अपना एफर्ट करके दे चुके हैं। हो सकता है कि आप ये सोच रहे हो आजकल कि शायद आपने ऐसा किया होता तो ये रिलेशनशिप बच जाता था, वैसा किया होता तो ये रिलेशनशिप ठीक होता, एंड आपसे ही कोई गलती हो गई है, आपसे ही कोई चूक हो गई है। वर्गो, ऐसा सोचना बंद कीजिए, बिकॉज आप जो ये पर्सन डिजर्व नहीं करता था वो भी करके देख चुके हैं, एंड इस पर्सन के अंदर जो बदलाव आने हैं वो यूनिवर्स के लेसन से ही आएंगे, आपके एफर्ट करने से अब कोई चेंज नहीं आने वाला। ओके, हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2024 के फर्स्ट क्वार्टर की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए वर्गोस। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, द हर्मिट एंड नाइन ऑफ वांड्स। ओके, सो हमारे पास है सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब है कि यहाँ से एक ऐसी जर्नी शुरू हो रही है जो टफ है, मगर आपको आपके डेस्टिनेशन तक लेके जाएगी। ओके, यहाँ पे आप सेवन ऑफ पेंटिकल्स देख रहे हैं, आपने एक रिलेशनशिप को बहुत संजो के रखा, बहुत प्रोटेक्ट किया, एंड अब वो वक्त आ गया है जब आपको उसके रिवॉर्ड्स मिलने चाहिए, बट ये पर्सन शायद सिर्फ रिवॉर्ड लेने में इंटरेस्टेड है बजाय आपको किसी तरीके का रिवॉर्ड देने की या किसी तरीके का प्यार शो करने के। ये पर्सन सिर्फ आपसे अटेंशन और लव लेता जाएगा, एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का मतलब वही है कि ये पर्सन जो कुछ भी आपके पास है वो लेने में इंटरेस्टेड है, बट जब बात आती है देने की तो ये पर्सन आपसे दूरी बना लेता है। सो टैरो आपसे कह रहा है कि शायद आपको अब इस नेगेटिविटी से दूर जाने की ज़रूरत है। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स आपके लिए भी है कि आप एक नई जर्नी स्टार्ट करें द हर्मिट के साथ। ये जर्नी शुरू होगी अपने ऊपर फोकस करके, नेगेटिविटी को कट ऑफ करके। मुश्किल हो सकता है बट नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट नाइन ऑफ वांड्स का कार्ड है अगला, तो यूनिवर्स आपको रिमाइंड कराना चाहता है कि आप कितने स्ट्रांग हैं। ओके, आपने पहले भी बहुत सारी चीज़ों का सामना किया है और आप अभी भी कर सकते हैं, सो रिलैक्स। आपको लगातार किसी चीज़ को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम लीजिए अपना हील करने के लिए और धीरे धीरे आगे बढ़िए। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। सोल लॉस, सो ये जो भी हो रहा है ये आपको एक सोल लॉस की तरह महसूस हो सकता है। आपको लगेगा कि आपकी सोल बहुत दुखी है और आपका एक हिस्सा आपसे दूर चला गया है, बट सच ये है कि आप अपनी सोल को कभी लूज नहीं कर सकते। आपकी सोल आपके पास ही है, एंड सबसे बेहतर तरीका होगा कि आप खुद को नर्चर करें आपके खुद के प्यार से। अपने लिए आप अपनी सोल को नर्चर करेंगे और बेहतर फील कर पाएंगे। ओके, सो ये है रीडिंग इस वीक की, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।